मध्य प्रदेश उद्योगों की पहली पसंद बन रहा है। दरअसल निवेश के आंकड़े कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले ढाई साल में करीब 55,000 करोड़ का निवेश आया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। सरकार की कोशिशें ला रही रंग, एमपी में बढ़ रहा है औद्योगिक निवेश। बढ़ेगा निवेश तो बढ़ेंगे रोजगार के साधन। जी हाँ, मध्य प्रदेश में आने वाले समय में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। सरकार की औद्योगिक नीति के चलते मध्य प्रदेश में पिछले ढाई सालों में औद्योगिक निवेश तेजी से बढ़ा है। कई नामी कंपनियां मध्य प्रदेश में निवेश को तैयार हैं। अगर सभी निवेश जमीनी धरातल पर हो गए तो प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश में कोरोना काल में भी औद्योगिक गतिविधियां बढ़ती रही। कोरोना काल में भी प्रदेश में निवेश आता रहा। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में पिछले ढाई तीन सालों में लगभग 55,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया। 2020 में 6,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। 2020-21 में 11,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जबकि 2021-22 में 31,390 करोड़ के निवेश को अंतिम रूप दिया गया। साल 2020 में कंपनियों को 632 एकड़ भूमि और 258 भूखंड मिले। इससे 15,900 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। 2020-21 में उद्योगों को 840 एकड़ भूमि और 384 भूखंड आवंटित किए गए, जबकि 2021-22 में उद्योगों को 1,754 एकड़ भूमि आवंटित की गई। पिछले तीन साल में उद्योगों को 3,226 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इसके अलावा भी सरकार नए औद्योगिक क्षेत्रों पर फोकस कर रही है। कुछ और नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और निवेश पर सरकार का फोकस है। जानकारी के मुताबिक नए औद्योगिक क्षेत्रों पर काम कर रही है। भोपाल, सीहोर, धार, रतलाम और नरसिंहपुर में भी नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। यहाँ पर 32,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। इसमें 38,450 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। भोपाल राजगढ़ में 250 करोड़ से ग्रीन एनर्जी पार्क बनना है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, कटनी सहित 7 प्रमुख क्षेत्रों में लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। भोपाल इंदौर कॉरिडोर में आष्टा के पास बड़े क्षेत्र पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हब बनाने का प्लान है। देवास में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने की योजना है। कमर्शियल, रेसिडेंशियल, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट की प्लानिंग भी इसमें शामिल है। देवास, सोनकच्छ, आष्टा और सीहोर तक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की योजना है। पीथमपुर में पुणे का पिनेकल उद्योग समूह 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। बहरहाल मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ व्यावहारिक दिक्कतें भी हैं जिन्हें दूर करके निवेश को और गति दी जा सकती है। मसलन अब भी कंपनियां भोपाल और इंदौर के आसपास ही निवेश को लेकर ज्यादा इच्छुक रहती हैं। वहीं 30 दिन में मंजूरी का व्यावहारिक प्लान फिलहाल नजर नहीं आता। भोपाल इंदौर के अलावा अन्य जगह इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा भी नहीं है। सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी की सबसे ज्यादा दिक्कतें भी हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर सियासी प्रतिक्रिया क्या है, ये भी सुनिए। मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए जो लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि मध्य प्रदेश में उद्योग लगे, माननीय मुख्यमंत्री लगातार उद्योगपतियों से संपर्क कर रहे हैं, उसके परिणाम दिखाई देने लगे हैं। पिछले ढाई साल में 55,000 करोड़ से अधिक के उद्योग मध्य प्रदेश में लगे हैं और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के ज़्यादातर युवाओं को वहाँ रोज़गार प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ऐसी पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बनाई है। इस सदी का इस सबसे बड़ा झूठ है ये। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद 8 इन्वेस्टर समिट हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर समिट में करोड़ों के दावे कहे थे कि इतना निवेश होगा। जहां तक 55,000 करोड़ का निवेश का प्रश्न है या जो बात कही जा रही है, सफ़ेद झूठ है। मुख्यमंत्री जी इस पर खुली चर्चा करें या श्वेत पत्र जारी करें।
मध्य प्रदेश में 2023 में इन्वेस्टर्स समिट होना है। इस बार समिट से पहले सरकार ने नए संभावित निवेश का रोड मैप भी तैयार कर लिया है। एमपी में पिछले ढाई साल में जिस तरह से निवेश आया है, अगर आगे भी यही फ्लो बना रहा तो इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश के लोगों को इससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। उद्योग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लिहाज से एक अच्छी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश उद्योगों के क्षेत्र में अब पहली पसंद बनता हुआ जा रहा है। पिछले ढाई साल के अगर आंकड़े पर बात की जाए तो करीब 55 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में आया है, जो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। विजिलेंस अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि सरकार नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर काम कर रही है। भोपाल, सीहोर, धार, रतलाम और नरसिंहपुर में नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। यहां पर 32,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। इसमें 38,450 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। भोपाल राजगढ़ में 250 करोड़ से ग्रीन एनर्जी पार्क बनाना है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, कटनी सहित 7 प्रमुख क्षेत्रों में लॉजिस्टिक पार्क। भोपाल इंदौर कॉरिडोर में आस्टा के पास बड़े क्षेत्र में एआई और आईटी हब के लिए प्लान है। देवास में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने की योजना है। कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट की प्लानिंग है। देवास, सोनकच्छ, आस्टा और सीहोर तक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की भी योजना है।